बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एन टी एस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अपने जो सिलसिला शुरू किया है ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए और रियाजी के एमसीक्यूज हम हल कर रहे हैं, आज उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 39 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूँ, ईटा आज लास्ट डेट है इसमें ऑनलाइन अप्लाई के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद एक हफ्ता 10 दिन मज़ीद एक्सटेंशन दे दें। अगर नहीं दिया तो याद रखिए कि इंशाअल्लाह ताला फरवरी के स्टार्ट में शुरू होंगे टेस्ट। सबसे पहले एसएसटी का टेस्ट होगा, फिर डीएम, पीएटी, सीटी, सीटीआईटी, पीएसटी का सबसे आखिर में होगा। और ये ऐसा है कि एनटीएस वाले तो स्कूलों, कॉलेजों और बिल्डिंग में हुआ करते थे, इनके टेस्ट ऐसा नहीं होते। ये ऐसे होते हैं कि किसी बड़े ग्राउंड में पूरे डिवीजन या पूरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर टेस्ट लेते हैं। तो आप जहनी तौर पर इसी तरह तैयार रहें। ये तो ईटा वाले के साबिका रिवायात हैं, इस दफा भी इसी तरह आई थिंक होंगे। अगर नहीं हुए तो वो अलहदा बात है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इसी तरह ही होंगे। तो इस लिहाज से पीएसटी का टेस्ट फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में आएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन कुछ इजी हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड +3 इज डिवाइडेड बाय -2 द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन रिमाइंडर, डिवाइडर, डिवाइडेंट, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कहते हैं -4 और +3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पहले इसके मल्टी ये हो जाएगा -12। कहते हैं अगर इसको डिवाइड किया जाए -2 पर, इसको -2 पर डिवाइड करें, इस तरह करें, ठीक है, -2 तो क्या आएगा। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन किसको कहते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। यहां पर जो बचता है वो रिमाइंडर है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अगर ये आपको यहां से हल करना चाहते हो तो देखे, इसको -2 से डिवाइड करो, माइनस क्रॉस हो जाएगी माइनस के साथ और 6 × 2 = 12। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ⅙% किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से जरब देते हैं, तो 6/1000 × 100 क्या हो जाएगा, 2 0 क्रॉस हो जाएंगे 2 0 के साथ, तो यह आ जाएगा 6/10 और 6/10 जीरो के साथ ये, और यहां पर इशारी आ गया, तो 0.6 ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 24, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5z3, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। यहां पर ये 5 जो है ये कोएफिशिएंट है, 3 जो है ये एक्सपोनेंट है और z जो है ये वेरिएबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3
ऑप्शन सी। ये देखिए क्वेश्चन, इफ 9 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 25, फाइंड द नंबर। किसी भी नंबर के साथ x 9 जमा करें तो क्या था, ये 25 बन जाता है। तो 9 को इस तरफ लाओ, 25 में से 9 माइनस करो तो 16 आंसर आएगा, ऑप्शन बी। एच सी एफ ऑफ 72 एंड 60, एच सी एफ बाय डिवीजन मालूम कर, आसान तरीका यही है, ठीक है, ये 60, बड़ा बड़े पर छोटा हिस्सा पर बड़ा तकसीम करे तो ये होगा 60 एकम 60, यहां आ जाएगा 12 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहां पर इसको 60 को ले, 12 पंजे 60, तो इसका आंसर हो गया 12, ऑप्शन बी। आगे देखें, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 ईयर्स, 365 ज़र्बे 2, एक साल में जो लीप ईयर ना हो, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 दोने 10, 6 दोने 12, और ये 6 दोने 3 दोने 4, 1 7, ऑप्शन बी 730। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, कहते कि एक दर्जन अंडे 96 रुपए के हैं, अ डजन एग्स कॉस्ट ₹96, 15 अंडों की कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले एक अंडे की कीमत मालूम करें, इसको 12 पर डिवाइड करें, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 12 8 96 8 आ गया। अब इसको जरब दे दे 15 से, 15 अंडों की कीमत मालूम करनी है, 15 8 120, तो 120 इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखिए जरा, द हाइट ऑफ 4 किड्स 95 110 90 और 105, तो औसत उम्र मालूम करें, पहले इनको जमा करें, 95 जमा 110 और जमा 90 जमा 105, इसके 5 में से इधर गया 200 और 10 इधर गया 200, 400 हो गया ये, और इसको 1 2 3 4 पर डिवाइड करें तो 400 तकसीमे 100 मसावी है, सॉरी 400 तकसीमे 4 मसावी है 100, तो इसका आंसर 100 है, ऑप्शन सी। आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखें, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए की कीमत बी है, 1/c इज इक्वल टू बी, 1/c बी की कीमत है, 1/c की कीमत बी है, तो कहते ए की सी क्या होगा। तो ये देखिए जरा, पहले यहां से सी निकालते हैं, इसमें से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 1/c, या सी बी इज इक्वल टू 1, या सी इज इक्वल टू 1/b, तो ये सी की कीमत आ गए। अब इसमें ए की कीमत पुट कर ले, ए इज इक्वल टू बी, तो बी की जगह ए लगा ले, 1/a, 1/a इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो आई थिंक आज के लिए ये काफी है दोस्तों, जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो लाइक और शेयर
लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।